सुन बेटा, तू जानती है तेरे पापा कितने जिद्दी हैं। ऐसे कब तक उदास बैठी रहेगी, समझ जा बेटा। बिना भगवान को न्योता देने के लिए कार्ड लिया कि नहीं? हाँ, कार्ड ले लिया। पर पहला कार्ड उसे देना चाहिए जो पक्का आए। भगवान क्या मंदिर छोड़कर आएंगे या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे? नमस्कार, आइए आइए। मेरा नाम वीरभद्र है। ये गांव के मुखिया हैं, शिवा के पिता। इन्हें बैठने को कहिए। बैठिए, बैठो। मुझे भी बच्चों के प्यार के बारे में लड़ाई के बाद ही पता चला। मैंने सोचा आकर बात करूं, पर कोर्ट और बेल के चक्कर में उलझा रहा। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला करेंगे। जल्दबाजी हो या ना हो, मेरी बेटी की शादी मैं तय करूंगा। बाप होने के नाते ये मेरा हक है। हक तो है आपका, लेकिन उनकी खुशी भी जरूरी है। मतलब आपकी बेटी खुश तभी होगी जब उसकी शादी उसकी खुशी से होगी। एक तो आप अपने बेटे को लेकर यहाँ आ गए और मुझे सुना रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त मैं आपको घर से बाहर निकाल दूँ। तुझे क्या ठीक से दिखाई नहीं देता? कॉफी आपके हाथ से गिरी मालिक। ठीक है, जा यहाँ से, जा। कॉफी का निशान धोने से निकल जाता है, लेकिन एसिड का निशान जिंदगी भर रहता है। मैं मानता हूं कि मैंने जोश में आके आपके गांव वालों को बहुत मारा था, लेकिन उस दिन वसंती को एसिड के हमले से बचाने के लिए मुझे बाबू को धक्का देना पड़ा। हो सकता है गांव में आपने बहुत से मामले निपटाए हो, पर इस मामले में एक बाप बनकर फैसला लीजिए। आपका हर फैसला हमें मंजूर होगा। बहुरानी, थोड़ा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। ये लो बेटा। रख लो, इसे शगुन तभी मानना जब तुम्हारे पापा राजी होंगे, वरना इसे तोहफा समझ के रख लेना। रख लो बेटा, मैं चलता हूं। चल बेटा। आह, कितने भले लोग हैं। हमारी बेटी को जबरदस्ती भगा के शादी कर सकते थे, पर इज्जत से घर आए और शांति से बात करके चले गए। सुनिए चाचा जी, आपने घर की बात घर में ही रखने को कहा था ना? मैंने तो उस बात को पेट में दबा कर रख लिया, लेकिन ससुर जी मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। वो इतना कुछ कहकर चले गए और आप चुप खड़े हैं। अरे दामाद जी, आप बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुम चुप रहो, कुछ भी बोलती हो। मौका मिला नहीं कि तुम बस शुरू हो जाती हो। सुनिए, शर्ट बदल कर आ जाइए, मंदिर जाने में देर हो जाएगी। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। अशुभ समय है इसलिए मंदिर के पट बंद हैं। कहीं तो खोल दूं? कोई बात नहीं पुजारी जी। नमस्ते। चलो। पापा आप कहें तो शादी के कार्ड बांटना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं। वसंती की शादी मैं चाहता हूं शिवा के साथ ही हो। रो मत, चुप चुप हो जा, जो तू चाहती है वही होगा। आप जेल गए हुए इंसान से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं? हमारी बेटी की वजह से वो जेल में गया था। ससुर जी, आप अपने वादे से पलट रहे हैं। किसी भी वादे से बढ़कर मेरी बेटी की खुशी है। अपने वादे की वजह से मैं मेरी बेटी का दिल नहीं दुखाऊंगा, यही मेरा फैसला है। ये बात है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। आपकी छोटी बेटी की शादी में मैं बड़ी बेटी के तलाक का तोहफा दूंगा। कैसी बातें करते हो, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दामाद जी। रहने दीजिए पापा, वसंती की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं होगी, भले ही तलाक हो जाए। जोर का झटका जोर से लगा। ये क्या पद्मा,
तुम्हें तो मेरे जोक पर हंसना चाहिए था, तुमने एक और जोक सुना दिया, मुझे रोना आ रहा है। अरे मैं तो घर का जमाई और बेटा दोनों हूँ, है ना ससुर जी? क्या पलटी मारा है? अब सब यूं ही खड़े रहेंगे, शादी की तैयारियां नहीं करनी? चलिए चाचा जी, मिठाई वाले को फोन कीजिए। जगन, जगन तो अच्छे से कलर मारो। अरे जगन, तू यहाँ मगन है? हाँ भैया। अरे सुनो, तुम सब एक मिनट के लिए जरा बाहर जाओ। क्या? चलो जल्दी जाओ। बात क्या है? इसका नाम अमिता है, इसकी दूध की डेयरी है, शादी के बाद इसका डेयरी का बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या हुआ? जरा देखूं तो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। साफ साफ बताओ बात क्या है। धूप निकलते ही कोई हाथ में छाता थमा दे और बारिश होते ही उसे छीन ले, बिल्कुल ऐसा ही किया है मेरे ससुर ने। वो वसंती की शादी शिवा से करने जा रहा है और तुम बस खड़े खड़े देखते रहे। और क्या करता, खंजर लेकर उसके सीने में भोंक देता। अरे घर जमाई हूँ मैं, वहाँ मेरी कोई औकात नहीं, तू ही बता मैं क्या करूँ। कल उनकी शादी की तारीख भी तय हो जाएगी, मैं तो कहता हूँ वसंती को भूल जा। मैं मर जाना पसंद करूँगा लेकिन वसंती किसी और की नहीं हो सकती। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। आइए। नमस्कार। नमस्ते। अरे बाप रे, ये कहीं पहचान न ले। अरे ये क्या, बॉडी में फिर से वाइब्रेशन क्यों होने लगा, ये कैसे हुआ? अपनी जेब टटोल रहे हो? जो दूसरों की जेब काटता था आज उसकी कट गई क्या? 100 रुपए दीजिए, 100 का नोट। हाँ आ गया, मिल गया। सुनिए चाचा जी, मेरी जेब से कोई पैसे नहीं निकाल सकता। अरे कभी न कभी शेर को सवा शेर मिलेगा। डेढ़ शेर आए तो भी देख लूंगा। पर्सनैलिटी से तो कॉमेडियन लगता है लेकिन गेटअप से बिल्कुल हीरो लगता है, ये आखिर है कौन? लड़के वाले हो या लड़की वाले? दो। क्या कहा? तीन। तीन कैसे? चार। नंबर बढ़ाता जा रहा है मतलब तो बता। 5 के 5000 हो गए। ये तो मेरा स्टाइल होगा। 1 2 3 4 5। ऊपर की जेब खाली करना, वेरी इजी। ओके, बेडरूम कहाँ है? ऊपर जाके लेफ्ट। वहाँ वाईफाई है? वो भी ऊपर ही है। गुड, कनेक्ट होता है? अबे काट के फेंक दूंगा, मेरी वाइफ मेरे साथ कनेक्ट नहीं होती, तेरे साथ कैसे होगी? ओह माय गॉड, एक और सवाल के बाद 1000। फिर से जेब हल्की कर दी। बाप रे, तुम जैसों को हल्का करना ही पड़ता है। अरे धोबी, तुम्हारे वाइफ के बारे में नहीं पूछा, सेल फोन के लिए वाईफाई के बारे में पूछा। फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर करेगा। ये तो मिल्खा सिंह की तरह भाग गया। आओ बेटा। बच्चों, अंकल। हाय बच्चों। अच्छा सुनो बेटा, जी भर के बातें कर लो, अब यहाँ तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो बच्चों नीचे चले। हम कबाब में हड्डी क्यों बने, हम भी चलते हैं। जरा देखो तो, शिवा से रहा नहीं जा रहा, इसलिए तो सगाई से पहले यहाँ आ गया। हाँ चल। ए, ये क्या कर रहे हो? कोई आ गया और किसी ने देख लिया तो? कोई देख ना सके इसीलिए तो बंद किया। तो क्या इरादा है तुम्हारा? दरवाजा बंद करके भजिया थोड़ी तलूंगा। वसंती रुको ना। अरे ये मेरी बॉडी में इतने ज्यादा वाइब्रेशंस क्यों हो रहे हैं? अरे पार्टनर, ये तो तुम हो, टोपी पहनकर आए हो पर मैंने पहचान लिया। तुमसे मिलकर लगता है मुरझाया हुआ कमल खिल गया। आओ ना, आओ बैठो पार्टनर। मेरे भाई, कैसी कट रही है ससुराल में? अरे सास ससुर अभी तक मेरे से डरते हैं। वाह, आवाज सुनने पर ससुर आ जाती। अच्छा, मेरे ससुर का तो प्रेशर बढ़ जाता है। और ये समझी जी, हाँ कहिए। ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि सारा गाँव याद रखे, एकदम ग्रैंड। अच्छा है इन्होंने हमें सुना नहीं। तू तो जानता है ना पार्टनर, घर जमाई की जिंदगी नर्क होती है। करेक्ट पार्टनर। अरे यहाँ लाओ। थैंक यू। चलो ये शुभ दिन आ ही गया। ए जाड़ी, इन दोनों की चल पड़ी है, हमारी कब चलेगी गाड़ी? चुपे। देवर जी, तुमने तो कहा था कि लड़की बहुत खूबसूरत है, पर मेरे आगे तो कुछ भी नहीं, पर तुम्हारा काम चल जाएगा। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। अब सब तो मौजूद है यहाँ पर, शादी की तारीख तय करनी, शास्त्री जी कहाँ है? मैं आया। तो तुम शादी कराने वाले शास्त्री हो? यस, शास्त्री जी, वाईफाई शास्त्री, यूजर नेम टेम्पर, पासवर्ड पठान। तो तुम? ये मेरे गुरु हैं और तुमसे मेरा रिवेंज लेने आए हैं। अच्छा, रिवेंज की ये रेंज है? हमारी रेंज ही अलग है। 2000 प्लीज।
पर मैंने तो एक ही सवाल पूछा, फिर 2000 क्यों? हाँ, एडवांस है ताकि बाद में पूछो तो सेटल कर लेंगे। सर, लड़के की जन्म कुंडली में जो जानकारी है वो सही है ना? बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कंफर्म करने के लिए पूछा था चिंता की कोई बात नहीं है। तो अगले शुक्रवार रात के 10 बजे का मुहूर्त बहुत शुभ है, लॉक किया जाए? जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। तो ये भी अच्छा है, चलो शगुन दीजिए। शिवा, शादी तो तय हो गई, अब पार्टी भी दे दे। Hey, जगन, क्या कर रहा है? छोड़ इसको, छोड़। क्या कर रहा है? खुद को चोट क्यों पहुंचा रहा है? ये देख, खून निकल रहा है तेरे सिर से। वो मेरी बसंती को ले गया, दोस्तों कर मेरे पीठ में छुरा भोगा। यार मेरी बात तो सुन ले। देख, गुस्सा सिर्फ तेरे अंदर नहीं भरा, मेरे अंदर भी है। बार बार बोलता था दोस्तों के लिए जान तक दे देगा, और मेरे ही दोस्त की जान ले ली उसने। ऐसे से मेरा दोस्त वापस आएगा क्या? एक माँ को उसका बेटा मिलेगा? हम यहाँ बैठकर आंसू बहाएं और वो शादी करेगा? अगर ये शादी हुई तो मैं जान दे दूंगा। फालतू की बात मत कर, तू क्यों जान देगा, तू क्यों मरेगा? मतलब कि गलती भी वो करे और अब जश्न भी वही मनाए? हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो क्या करें हम? ए, प्रेम से हटना। मैं तुमसे अच्छी फोटो खींच सकता हूँ, देखना। ये क्या कर रहे हो? अभी पूजा बाकी है। हाँ सही है। मामा, मामा बचाओ! मामा, मामा बचाओ मुझे, मामा! मामा, मामा, सनी! मुझे बचाओ, सनी! मामा बचाओ, मामा, मामा बचाओ, मामा, मामा! अरे, अरे, शिवा! शिवा, शुक्र है खतरा टल गया। खतरा अभी टला नहीं है। सगाई के दौरान मुझे जो शक था वो इस हादसे से सही साबित हुआ। शादी से पहले लड़की की जान को खतरा है। आप इसके बारे में लड़के के परिवार को क्यों नहीं बताते? सांप के काटने के बाद जहर से ज्यादा सांप से ही डर लगता है। तो इसका निवारण क्या है?